नमस्कार, मैं हूं तोरण और आप देख रहे हैं तत्काल न्यूज लाइव। मणिपुर में मौजूद अस्थिरता के बीच एक एक्ट्रेस लेशराम को ब्यूटी कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने पर कड़ी आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। इम्फाल स्थित एक सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन जिसने उनके बहिष्कार की मांग की थी ने अब कहा है कि लेशराम को फिल्म निर्माताओं द्वारा 3 साल के लिए प्रतिबंध किया जाना चाहिए। लेशराम जिन्होंने 150 से अधिक मणिपुरी फिल्मों में अभिनय किया है और कई पुरस्कार जीते हैं, शनिवार को नई दिल्ली में आयोजित नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट फेस्टिवल में एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट में शो स्टॉपर थी। राज्य के प्रमुख नागरिक समाज समूह में से एक कंगई लिपे कनबा लूप ने कहा कि उनसे अभिनेत्री की प्रतियोगिता में भाग लेने का अनुरोध करने के लिए फिल्म एक्टर्स गिल्ड मणिपुर से संपर्क किया था। संगठन ने आरोप लगाया कि मशहूर हस्तियों से की गई सामान्य अपील के साथ साथ उन्हें व्यक्तिगत सलाह के बावजूद लेशराम ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। इस कदम से मणिपुर फिल्म फ्रेटर्निटी को झटका लगा है और अभिनेत्री ने कार्यक्रम में मणिपुर का प्रतिनिधित्व करने के अपने फैसले का बचाव किया है। लेशराम ने कहा कि उन्होंने मणिपुर में चल रही उथल पुथल के बारे में बोलने के लिए अपने मंच का इस्तेमाल किया और हिंसा प्रभावित राज्य में शांति और सामान्य स्थिति की अपील की। उन्होंने कहा कि एक अभिनेत्री और एक सामाजिक प्रभावशाली व्यक्ति के रूप में मणिपुर में संकट के बारे में संवाद करना और बोलना मेरी जिम्मेदारी है और मैंने इस मंच को चुना। जिस कार्यक्रम में मैंने भाग लिया वह एक गैर लाभकारी संगठन द्वारा आयोजित एक पूर्वोत्तर उत्सव है। यह मनोरंजन या पार्टी के लिए आयोजित कोई सौंदर्य या फैशन शो नहीं है। यह एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है जहां पूर्वोत्तर के प्रत्येक राज्य का प्रतिनिधित्व उनकी लोकप्रिय हस्तियों द्वारा किया गया।